अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ बेसिकली दी वॉन्ट हॉफ इक्वेशन एंड वॉन्ट हॉफ आइसोथर्म, दैट इज़ इन अदर वर्ड्स वी कैन से थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। वॉन्ट हॉफ आइसोथर्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये हमें क्या बताता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था गिव्स द एनर्जी चेंज, आज हम उसी को इस्तेमाल करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, इसको समझने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं जनरल रिएक्शन, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी आर रिवर्सिबल गिव्स अस सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी, जिसमें ए बी सी डी ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, और फ्री एनर्जी जो चेंज होता है वो डिफरेंस होता है फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स के। सो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा जी जो कि फ्री एनर्जी चेंज है वो फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स द फ्री एनर्जी चेंज इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सो ऑफ केमिकल पोटेंशियल्स की अगर हम बात करें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की, तो डेल्टा जी आपके पास इक्वल हो जाएगा जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी माइनस ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी, इन्हें माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, जबकि म्यू ए म्यू बी म्यू सी एंड म्यू डी ये केमिकल पोटेंशियल्स हैं ए बी सी और डी के। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर टेकन इन द स्टैंडर्ड स्टेट द फ्री एनर्जी चेंज अकॉम्पनिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जी नॉट। तमाम केमिकल रिएक्शन के अंदर तमाम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जब स्टैंडर्ड स्टेट में शो किए जाते हैं तो उसके लिए जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तो ये स्टैंडर्ड का साइन सबके साथ आ जाएगा, वही एक्सप्रेशन रहेगा। और केमिकल पोटेंशियल्स को भी हम उसी तरह लिखेंगे कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू सी म्यू सी नॉट प्लस डी म्यू डी नॉट माइनस ए म्यू ए नॉट प्लस बी म्यू बी नॉट। तो अब ये स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल्स होंगे जिनके ऊपर साइन आ रहा है, सो ये आपके पास उसी तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। फ्री एनर्जी चेंज एज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियटी, जितना भी फ्री एनर्जी के अंदर चेंज आता है वो किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को जज करने में आसानी फ्राहम करता है, और थ्री सिचुएशंस हैं, अगर डेल्टा जी लेस हो जीरो से तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ मूव करेगा, और अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो हो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सही, लेकिन इट विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड बट इट विल मूव टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो तीसरी कंडीशन है कि डेल्टा जी इक्वल हो जाए जीरो के तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है। सपोज हम एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन है, सो फ्री एनर्जी चेंज जब होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेट सपोज कि N2O4 ट्रांसफॉर्म हो रहा है टू NO2 में, तो बिगनिंग में आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी और फ्री एनर्जी चेंज जो उसके साथ एसोसिएट करेगा वो भी मैक्सिमम होगा और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन मिनिमम होगी। अब वेरिएशन देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि आपके पास फ्री एनर्जी चेंज N2O4 और NO2 वर्सेस द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं फ्री एनर्जी और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस के दरमियान, तो हमें ये इस तरह से राइजिंग कर्व मिल रही है जिसमें हम देख सकते हैं ये पहला पॉइंट ए है, लास्ट पॉइंट बी है और ये सेंटर में पॉइंट सी है। जो पॉइंट ए है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की निशानदेही की गई है, यानी 1 मोल ऑफ N2O4 प्रेजेंट है और ये फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह बी पॉइंट पर आएँ तो सर ये 2 मोल्स ऑफ NO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। पॉइंट सी वो पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ 16.6% N2O4 और 83.45% ऑलमोस्ट NO2 मौजूद हैं और दोनों एक साथ सिस्टम में मौजूद हैं। इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा जी जीरो है। तो डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ एट पॉइंट बी एंड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एट पॉइंट ए, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो आप ये गैप देख सकते हैं जो कि +5.40 किलो जॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्री एनर्जी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर पॉइंट सी इज 0.84, और अगर इसी पॉइंट से आप जो पॉइंट सी इक्विलिब्रियम मिक्सचर का देखें अगर फैक्ट, तो वो 0.84 किलो जॉल होता है जो लोअर है हमारे पॉइंट ए से। ये रिप्रेजेंट करता है कि जब 1 मोल ऑफ N2O4 आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर में चेंज होगा तो वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी -0.84 किलो जॉल। सो 2 मोल्स ऑफ NO2 अगर आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर में चेंज होगा तो वो भी आपके पास वैल्यू 5.4 किलो जॉल में कन्वर्ट हो जाती है। दोनों केसेस में आपके पास डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा, तो हमने फर्स्ट केस में देखा। अब थ्री सिचुएशंस हैं, ये थ्री रिलेशंस हैं जो डिटरमिन करते हैं फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शंस को। नंबर वन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस डी डेल्टा एस नॉट, ये रिलेशनशिप है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का विद स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज।
हीट ऑफ फ्रैक्शन डेल्टा एच नॉट अगर आपको मालूम करना है तो वो आप एक्सपेरिमेंटली करेंगे। एंट्रॉपी चेंज हम कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट एंट्रॉपीज ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग दिस रिलेशन, डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एस नॉट प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एस नॉट रिएक्टेंट। सो इस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं एक पहला रिलेशन का फ़ायदा। सेकेंड, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, या हम इसे कहते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी माइनस आर टी एल एन के सी। यानी ये इक्वेशन हमें बताती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का चेंज आपस में। अगर आपको के पी या के सी दोनों की वैल्यू जाननी है तो हमारे लिए स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करना होगा, जो हम ऊपर वाले रिलेशन से निकाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है जी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एफ जी नॉट प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एफ जी नॉट रिएक्टेंट्स। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि आपके पास फ्री एनर्जी चेंज जो एक रिएक्शन में हो रहा है और एक सब्सटेंस को उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से उठा के एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर रहा है, यानी इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। सो हमारे पास ऐसी स्टेज को फॉर्मेशन कहते हैं, और फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट में अगर ली जाए तो वो जीरो होती है। फोर्थ है जी, फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी ऑफ अ गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग अ रिलेशनशिप जो आपने प्रीवियसली भी देखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन आर टी एल एन पी टू ओवर पी वन, जहाँ पी वन और पी टू इनिशियल और फाइनल प्रेशर्स हैं। तो इस तरह से हम ये डिफरेंट फायदे उठा सकते हैं। सो प्रॉब्लम अगर आपके पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का देखें तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें कैलकुलेट करना है आपने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रेडिक्ट वेदर डायरेक्शन इज फिजिबल और नॉट। तो ये आपको कंडीशन दे दी गई है, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज भी दे दी गई हैं। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ये रिलेशन यूज़ करना है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस एच। आपके पास इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, तो डेल्टा एस पहले निकालेंगे इस एक्सप्रेशन से, तो जो आपको यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं आपने वो वैल्यूज पुट करते जाना है, और इस तरह से रिएक्टेंट्स दोनों हैं तो दोनों को आप ऐड करेंगे और फिर प्रोडक्ट में माइनस करके आप एक वैल्यू निकाल रहे हैं जो माइनस 85 जॉल पर केल्विन पर मोल है। इसी तरह डेल्टा एच नॉट आपको ऑलरेडी गिवन है, जिसे आपने किलो जॉल से जॉल में लेकर जाना है। टेम्परेचर भी गिवन है, आपके पास ऑलरेडी 25 दिया हुआ है, उसको आप खुद कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस में हमारे पास 25 टेम्परेचर होता है, और डेल्टा एस नॉट भी है, टेम्परेचर भी है, डेल्टा एच नॉट भी है, तमाम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा -244.67 किलो जॉल। ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है जो कि नेगेटिव है, और अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि अगर आपके पास डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो तो रिएक्शन फिजिबल होता है। थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अब थर्मोडायनेमिक के लिए हम इसे ड्राइव करेंगे, उसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। उसके लिए आपने वही रिवर्सिबल रिएक्शन दोबारा लेना है जिसमें म्यू ए म्यू बी और म्यू सी और डी केमिकल पोटेंशियल्स होंगे ए बी सी डी के कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर। टोटल फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हमारे पास है जी रिएक्टेंट इज इक्वल टू ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी, और टोटल फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर फ्री एनर्जी चेंज आपके रिएक्शन का क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट, और डेल्टा जी इज इक्वल टू, अब ये दोनों वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन वन बन जाएगी। अब आपके पास सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन लगाएंगे तो डेल्टा जी जीरो हो जाता है, तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन के इस तरफ डेल्टा जी को जीरो कंसिडर करेंगे, अब ये वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो ये इक्वेशन टू बन जाएगी। सो केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द आइडियल गैस मिक्सचर इज गिवन बाय द रिलेशन, ये रिलेशनशिप आपने याद करना है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन पी, जहाँ पी पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट का और म्यू नॉट केमिकल पोटेंशियल है स्टैंडर्ड स्टेट में, जिसमें वन एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, म्यू नॉट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ। अब आप सब्सटीट्यूट करेंगे म्यू की वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2, तो तमाम को आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो सी कॉन्स्टेंट्स वगैरह बाहर आ जाएंगे जो आपके पास इक्वेशन के कॉफिशेंट्स होते हैं, सी म्यू नॉट सी प्लस आर टी एल एन पी सी, इस तरह डी म्यू नॉट डी प्लस आर टी एल एन पी डी इज इक्वल टू ए म्यू नॉट ए प्लस आर टी एल एन पी ए प्लस बी म्यू नॉट बी प्लस आर टी एल एन पी वी। आप ब्रैकेट्स ओपन करें और लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, जैसे कि जब आप ओपन करेंगे इसे और आर टी के एक्सप्रेशन को बाहर निकाल लें, बाकी सारे को एक साथ अंदर कर लें, इधर भी आर टी को बाहर निकाल लें, बाकी एक्सप्रेशन को एक साथ अरेंज करें, सो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है आर टी एल एन बी सी, और ये जो आपके पास कॉफिशेंट्स हैं बिकम द पावर, तो ये सी आपका पावर में कन्वर्ट हो गया, इसमें भी डी पावर में कन्वर्ट हो गया, और ये ऐसे ही रहा कॉमन फैक्ट्स जो अलग हैं वो ऐसे रहे, इधर भी आपके पास इन नेचर लॉग के दोनों जो कॉफिशेंट्स हैं वो कॉमन में कन्वर्ट हो गए, और ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ मिसिंग है, नीचे भी आना है ए म्यू नॉट ए नॉट प्लस बी म्यू नॉट बी नॉट, ये आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब आपके पास राइट हैंड साइड पे आर टी की जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाएँ, यहाँ से भी आर टी दूसरी तरफ ले जाएँ, तो आपके पास दोनों टर्म्स में कॉमन आर टी है, और ये जब वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
और बाकी एक्सप्रेशंस में ऑलरेडी यहाँ पर जो ए म्यू नॉट ए वाला एक्सप्रेशन था वो ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा. सो आप अप्लाई करेंगे लॉ का फॉर्मूला, और लॉ का फॉर्मूला ये कहता है कि अगर उसको चीज़ माइनस में है तो वो डिवाइड हो जाती है. तो आर टी एल एन पी सी सी और पी डी डी जो है ओवर दिस वन, ये फैक्टर आपके पास इक्वल हो जाएगा जी नॉट रिएक्टेंट माइनस जी नॉट प्रोडक्ट से. सो आप इक्वेशन को रीअरेंज करें तो जी नॉट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास ये आपके पास प्रोडक्ट पहले आ जाएंगे, रिएक्टेंट बाद में आ जाएंगे, तो ये माइनस डेल्टा जी नॉट के इक्वल होता है. अब इन कंडीशन को जब आप ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये नेचुरल ऑफ पी सी सी पी डी डी ओवर पी ए पी बी ए माइनस डेल्टा जी नॉट ओवर आर टी के इक्वल आ जाता है, क्योंकि आर टी आप इस तरफ ले जाएंगे नीचे तो डिवाइड हो जाएगा. ये एक्सप्रेशन क्योंकि कॉन्स्टेंट के इक्वल है जो कि के पी है, तो आप यहाँ के पी पुट करेंगे तो डेल्टा जी नॉट यहीं पर रहेगा और ये वहाँ पर जाकर माइनस आर टी एल एन के पी के इक्वल आ जाता है. अब हम देखिए इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 है. मोलर कंसंट्रेशन अगर आपके पास पार्शियल प्रेशर में ली जा रही है और केमिकल आपके पास पोटेंशियल इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो आपने देखा उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं म्यू म्यू नॉट आर टी एल एन सी. वहाँ प्रेशर की टर्म्स में था, अब हमने इसे कंसंट्रेशन की टर्म्स में कंसिडर किया है मोलर कंसंट्रेशन. सो सी मोलर कंसंट्रेशन है गिवन कंपोनेंट का इन द रिएक्शन में मिक्सचर और म्यू नॉट था आपके पास केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस इन द स्टैंडर्ड स्टेट. तो अगर वही कंसंट्रेशन अगर कंसंट्रेशन की टर्म्स को ओपन कर लें तो ये के सी के इक्वल हो जाता है. अब ये सारी कंसंट्रेशन के सी के इक्वल हो जाएंगी तो वही रिलेशन आपके पास जो आपने अभी देखा वो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी के इक्वल हो जाएगा. सो इसी तरह अगर ये एक्सप्रेशन आपने एक्टिविटीज़ की टर्म में लेना है तो आप नेचुरल लॉग पी या सी की बजाय यहाँ नेचुरल लॉग ए लेंगे, और ए एक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट है और म्यू नॉट डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर. तो अब ये सारा कंसंट्रेशन की टर्म को आप एक्टिविटी से रिप्लेस कर देंगे, ए स्टैंड फॉर एक्टिविटी हेयर. सो ये एक्सप्रेशन के ए के इक्वल आ जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के ए. सो डेल्टा जी नॉट हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज जो है हमें के पी के सी के ए तमाम फैक्टर्स बताता है, और अगर किसी रिएक्शन में के पी और के सी बराबर हों तो नंबर ऑफ मोल्स एंड रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स वो इक्वल होते हैं. सो हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस को हम इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल दी रिलेशनशिप्स. सैम्पल प्रॉब्लम में आपको के पी की वैल्यू मालूम करने फॉर द दी वी 1.06 × 10⁵ 25, और ये कंडीशन पे आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है. तो ये अभी आपने कंडीशन देखी, तो यहाँ पे आप डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी पुट करेंगे, और आर की वैल्यू पहले ही पता है आपको, टेम्परेचर भी आप पुट करेंगे जो यहाँ पे कंडीशंस ऑलरेडी हैं 25 की, आर की वैल्यू भी अंडरस्टैंडेबल है और के पी की वैल्यू इसमें ऑलरेडी दे दी है. सब पुट करने के बाद -28.674 किलो जॉल इज़ द आंसर हियर. नेक्स्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्लैपेरॉन इक्वेशन. हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर जब भी हम किसी सिस्टम का चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम आपके पास प्रेजेंट इन द टू फेजेस वो इफेक्ट हो जाता है. सपोज अगर आप मेल्टिंग सब्सटेंस है आपके पास और आप चेंज उसको उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट अप्लाई करते हैं, तो मेल्टिंग सब्सटेंस जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ चेंज होता है जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं. इसी तरह किसी भी लिक्विड की वेपर फेज भी चेंज होती है जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं. नाउ हम इसी कंडीशन को मैथमेटिकली अप्लाई करेंगे. सो जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होता है तो फ्री एनर्जी चेंज अकॉम्पनिंग द प्रोसेस इज ज़ीरो, और हम डेल्टा जी को ज़ीरो लेते हैं. और जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर को आप चेंज करते हैं किसी भी सिस्टम पर तो फ्री एनर्जी चेंज हमारे पास अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन होता है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस टी टी इक्वेशन नंबर 1. सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो फेजेस हैं और दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम पर है एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पर, और सपोज फ्री एनर्जी ऑफ द फेज ए जो है वो G1 है और फेज टू जो बी है वो G2 है, और आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं. और चेंज कैसे करते हैं कि टी से टेम्परेचर चेंज किया तो टी प्लस डी टी हो गया, इसी तरह प्रेशर चेंज किया पी से जो है पी प्लस डी पी हो गया. इन चेंजेस के साथ अब आपके पास वही फेज़ नहीं रहेगी, फेज़ में चेंज आ जाएगा. अब हम ए फेज़ को कह रहे हैं कि जी वन प्लस डी जी वन चेंज के साथ, और फेज़ बी को कह रहे हैं जी टू प्लस डी जी टू फेज़ के साथ चेंज आ रहा है जो हमारे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर आया. अगर हम इक्वेशन 1 को दोनों फेजेस पर अप्लाई करें तो डी जी वन इज इक्वल टू वी वन डी पी माइनस एस वन डी टी इक्वेशन नंबर 2 फॉर फेज़ 1, और फेज़ 2 के लिए डी जी टू इज इक्वल टू वी टू डी पी माइनस एस टू डी टी फॉर फेज 2 इक्वेशन 3. वी वन मोलर वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस फेज ए है और वी टू फेज बी के लिए है. इस तरह एस वन और एस टू मोलर एंट्रोपीज हैं फेज ए और बी की. जब आप फेज ए इक्विलिब्रियम में होता है फेज बी के साथ और डी जी जीरो है तो जी टू माइनस जी वन आपके पास जीरो के इक्वल हो जाता है, और जब टेम्परेचर चेंज होगा डी पी और प्रेशर चेंज होगा डी पी के साथ और जी टू प्लस आप जी टू की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे जी टू प्लस डी जी टू माइनस जी वन डी जी वन दैट इज इक्वल टू जीरो,
और जी टू माइनस जी वन जीरो के इक्वल है, इसी तरह डी जी टू माइनस डी जी वन भी जीरो के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि डी जी वन और ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो डी जी टू इज इक्वल टू डी जी वन के इक्वल हो सकता है। तो ये इक्वेशन नंबर फोर बनेगी। अब आप डी जी वन और डी जी की वैल्यूज टू और थ्री इक्वेशन से फोर में पुट करेंगे तो यहाँ पर डी जी टू की वैल्यू पुट हो जाएगी वी टू डी पी माइनस एस टू डी पी, और दैट इज इक्वल टू डी जी वन की वैल्यू वी वन डी पी माइनस एस वन डी टी। सो अब रीअरेंज करें, इनमें कॉमन ले लें, ये वी वन डी पी की वैल्यू इसके साथ ले आएँ और एस टू डी पी की वैल्यू वहाँ ले जाएँ, तो दोनों में कॉमन आएगा वी टू माइनस वी वन डी पी इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन डी पी। तो अब आपके पास वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू डेल्टा वी, और एस टू माइनस एस वन को हम डेल्टा एस कह सकते हैं। तो वही एक्सप्रेशन आप सही करें तो डेल्टा वी डी पी इज इक्वल टू डेल्टा एस डी टी के इक्वल आएगा। सो यहाँ पर डी पी और वहाँ से डी टी इधर नीचे ले आए तो ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा वी आ जाता है, दैट इज इक्वेशन फाइव। डेल्टा एस जो है वो मोलर एंट्रोपी चेंज है जब फेज ए चेंज होती है फेज बी में, और अगर ये चेंज एक फास्ट टेम्परेचर पर हो तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी कहलाएगा, दैट इज इक्वेशन सिक्स। ये वो टेम्परेचर है जिस पे आपके पास चेंज टेक प्लेस होता है एंड इट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। इन बोथ केसेस डेल्टा एच जो है वो लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है एक फेज से दूसरे फेज में बदलने का नाम। अगर आप इक्वेशन नंबर सिक्स को फाइव में पुट कर देते हैं तो डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी डेल्टा वी आ जाता है, दैट इज इक्वेशन सेवन। और ये हमें बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेल्टा एच टेम्परेचर चेंज ऑफ द फेज टी एंड द चेंज ऑफ द वॉल्यूम। आप चेंज ऑफ द फेज देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्लैपियन ने 1934 में फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइव की, और इसीलिए इसे क्लैपियन इक्वेशन भी कहा जाता है। इसकी एप्लीकेशन है कि हम इसमें तमाम फिजिकल इक्विलिब्रियल मेल्टिंग वेपराइजेशन सब्लिमेशन पर ये अप्लाई कर सकते हैं जिसमें फेज चेंजेस होते हैं। तो क्लैपियन इक्वेशन एंड मेल्टिंग इक्विलिब्रियम, जब एक सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट तो क्या कंडीशन आती है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच एम, और टेम्परेचर आपके पास टी एम के इक्वल हो जाता है। डेल्टा एच एम जो है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग है और टी एम है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। इक्वेशन सेवन को आप मॉडिफाई करें तो आपके पास डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच एम ओवर टी एम डेल्टा वी, और डेल्टा वी आपके पास वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड के इक्वल होगा, यानी वी एल मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और वी एस मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच एम ओवर टी एम वी एल माइनस वी एस, जो इक्वेशन एट है। और ये हमें ये बताती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इस इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई करें तो डी टी ओवर डी पी इसको रिवर्स कर दें तो आपके पास डी टी ओवर डी पी आ जाएगा, और दूसरी तरफ भी टी एम वी एल माइनस वी एस ओवर डेल्टा एच एम आ जाएगा। तो ये हमें बताएगा कि मेल्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर क्या इफेक्ट देता है। क्लॉजेस क्लैपनिंग और इक्वेशन में फर्दर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। सपोज हमारे पास एक मोल ऑफ लिक्विड है और वो एक मोल ऑफ वेपर ऑफ द सेम लिक्विड के इक्विलिब्रियम में है। सो क्लैपनिंग इक्वेशन जो है वो कैसे लिखी जाएगी, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी लेंगे अब आप ओवर टी बी वी वी माइनस वी आर, दैट इज इक्वेशन नंबर सिक्स। और इसमें टी बी जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है, वी एल मोलो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, वी वी मोलो वॉल्यूम ऑफ वेपर है, और डेल्टा एच वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है क्योंकि यहाँ हम लिक्विड और वेपर को कंसिडर कर रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर जो टेन है इसको आप कंसिडर करें तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ लिक्विड इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ वेपर। सो हम इस वी एल को इग्नोर कर देंगे डिनोमिनेटर में क्योंकि स्मॉल होने की वजह से इसकी जो है यहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो डी पी ओवर डी टी डेल्टा एच वी ओवर वी वी टी, वी एल माइनस हो गया तो वी वी आपके पास टी आ जाता है, टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड है, और एज्यूम करें कि वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, तो पी वी वी इज इक्वल टू आर टी, और वी वी यहाँ से निकालें तो आर टी ओवर वी। अब इस इक्वेशन को ऊपर पुट कर लें तो आपके पास बनेगा एक्सप्रेशन डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर टी स्क्वायर पी। तो ये एक्सप्रेशन जब ऊपर आप करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। रीअरेंज करें तो आपके पास पी वहाँ ले जाएं तो वन ओवर पी डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर टी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को अगर आप सही करें तो ये नेचुरल लॉग के इक्वल आ जाती है, डी एल एन पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 12। दिस इक्वेशन नंबर 12 इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड। इस इक्वेशन को क्लॉजेस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं और ये इक्वेशन क्लॉजेस ने डिराइव की थी जब उसने क्लैपेरॉन इक्वेशन पर काम किया, इसलिए इसे क्लॉजेस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। इसको इंटीग्रेट करें तो ज़्यादा यूजफुल फॉर्म मिलती है। यही इक्वेशन 12 को आप इंटीग्रेट करेंगे तो सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, डी एल एन पी यहीं पर रहेगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर डी टी ओवर टी स्क्वायर। अब आप इंटीग्रेट करेंगे टी वन और टी टू टेम्परेचर के साथ और पी वन और पी टू प्रेशर के साथ, तो डी नेचुरल ऑफ पी के साथ पी वन और पी टू का साइन आ जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, डेल्टा एच वी ओवर आर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएंगे, डी टी ओवर टी स्क्वायर के साथ आपके पास टी वन ओवर टी टू का इंटीग्रेशन साइन आएगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी ओवर टी स्क्वायर माइनस वन ओवर टी के इक्वल आता है और डी एल एन पी पी के आप नेचुरल ऑफ पी के इक्वल आता है। तो ये पुट करें और दोनों वेरिएबल्स को वन बाय वन पुट करें तो एल एन
नेचुरल लॉग पी टू माइनस नेचुरल लॉग टी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर वन ओवर टी वन माइनस वन ओवर टी टू। तो ये आपके पास बनेगा नेचुरल लॉग पी टू ओवर पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर। और यहाँ पे जब डिनोमिनेटर ये आप एलसीएम लेंगे तो टी वन टी टू ऊपर आ जाएगा आपके पास टी टू माइनस टी वन। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बताती है, कैलकुलेट करने के बारे में। अगर हमें दो वेपर प्रेशर्स और दो टेम्परेचर्स पता हैं तो हम ये निकाल सकते हैं। सो सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 5.12, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 96 डिग्री सेंटीग्रेड आर 560 टॉर एंड 650 टॉर। कैलकुलेट डेल्टा एच पी ऑफ अ लिक्विड एट दिस टेम्परेचर रेंज। तो टेम्परेचर दोनों दे दिए, प्रेशर भी दोनों दे दिए, एन की वैल्यू आपको पता है, यही आपने वैल्यू पुट करनी है। इसमें तमाम फैक्ट्स लगाएंगे आप और डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 15 किलो जूल पर मोल आंसर। एप्लीकेशन क्या है, क्लॉजेस कैप्रिकॉन इक्वेशन की बहुत सारी हैं। नंबर वन, इफ़ वी नो द डेल्टा एच पी ऑफ अ लिक्विड हमें पता है तो हम किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें दूसरे का पता है। द सेकंड चीज़, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच पी भी कैलकुलेट की जा सकती है अगर हमें दो टेम्परेचर और दो वेपर प्रेशर पता है। तीसरी चीज़, अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड फास्ट प्रेशर पर हमें नोन है तो हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड एट अनदर प्रेशर हम मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन यूज़ अ क्लॉजेस कैप्रिकॉन इक्वेशन टू अंडरस्टैंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एलिवेशन को भी हम मालूम कर सकते हैं। कंपैरिजन करें वेंट ऑफ आइसोकोर का और क्लॉजेस कैप्रिकॉन इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन जो है हमें कन्वे करती है द आइडिया दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा एच वैल्यू ऑफ डायरेक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रिमेंबर दैट द क्लॉजेस कैप्रिकॉन इक्वेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ वेंट ऑफ आइसोकोर। जब एक सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं विद इट्स ऑन वेपर्स, तो बोथ केसेस में के पी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्रेशर सिस्टम के इक्वल होता है। तो इक्वेशन नंबर 12 को हम वेपर प्रेशर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। द चेंज इन एंथैल्पी विच इज एसोसिएटेड विद द वेपराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसे आप एल वी लेते हैं और सब्लिमेशन के लिए आप एल एस लेते हैं। जब हम सब्सटीट्यूशंस करते हैं तो वेंट ऑफ आइसोकोर और क्लॉजेस कैप्रिकॉन इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाती हैं। सो बोथ इक्वेशन बिकम एप्लीकेबल टू लिक्विड वेपर एंड सॉलिड वेपर फेज इक्विलिब्रिया। लेकिन जहन में रहे कि वेंट ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्लॉजेस कैप्रिकॉन इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाई टू सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया। उसकी वजह यह है कि एक्सटर्नल प्रेशर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द मेल्टिंग प्रोसेस। कि हम एक्सटर्नल प्रेशर को कंसिडर नहीं करते एज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द मेल्टिंग प्रोसेस, इसलिए हम सॉलिड इक्विलिब्रिया पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करते। दिस इज ऑल अबाउट द वेंट ऑफ आइसोकोर एंड द क्लॉजेस कैप्रिकॉन इक्वेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट ऑफ लक।